हाय, दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन एंड यू आर वाचिंग उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो हमारे पास और एक जॉब अपडेट आया है, वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में कितना वैकेंसी है, 270 प्लस वैकेंसीज है। सैलरी कितना मिलेगा, 44,900 अप टू आफ्टर ट्रेनिंग। सो सारा कुछ माजरा क्या है, हम चलेंगे स्क्रीन पर जानने के लिए, तो देखते रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। तो आप देख रहे हैं उज्ज्वल कुमार सेन वंस अगेन। तो आप अगर नया हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलते हैं हम स्क्रीन पर और वहां पर बात करेंगे डिटेल्स में क्या है माजरा इसके बारे में, मतलब क्या है नोटिफिकेशन। चलो चलते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप। तो चलो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमारे पास वैकेंसी डिटेल्स है, राइट। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का वैकेंसी है, राइट। तो अगर आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड में इंटरेस्ट है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड काम में इंटरेस्ट है, तो ये आप देखना चाहिए, आपका ये अच्छा मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो पहले बात करते हैं क्या है माजरा है, मतलब कितना कितना क्या है, वैकेंसी क्या है, क्या कौन एलिजिबल है। सो गाइस, मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी है देखा मैंने, 16 वैकेंसी है, लेकिन आपका एलिजिबिलिटी का कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। केमिकल भी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, ये सारा यहाँ पर ये मतलब ये सारे एलिजिबल हैं। साथ में कौन एलिजिबल है, बीएससी का रखा है, केमिस्ट्री ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर, वो भी क्या है एलिजिबल है, एक पार्ट था, बहुत सारे हैं, देखते रहिए। फिर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कैटेगरी आया था, यहाँ पर क्या है फिटर, मतलब आईटीआई जितने सारे एलिजिबल हैं, लेकिन वो टेंथ होना चाहिए उसका कितना, 60% मार्क्स के साथ, तभी वो एलिजिबल है। बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया गाइस, ए लैब टेक्नीशियन और केमिकल प्लांट ऑपरेटर, उसके हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, राइट। फिर हम चलते हैं कहाँ पर नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो क्या है, अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें कितना वैकेंसी है, 12 वैकेंसीज है। कितना सैलरी मिलेगा आपको, पे स्केल है कितना, 25,500 है, और ये काफी शानदार है। इसमें कितना क्या आपका मेन कैटेगरी, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कोई भी दे सकता है आपका, बस क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। एज क्राइटेरिया ये रहा आपके सामने सारे कास्ट के लिए, राइट। और कितना आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट। इफ यू हैव दिस देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैटेगरी सी ऑक्सिलरी, राइट। इसमें वैकेंसी कितना है, 20 वैकेंसी है टोटल, राइट। और इसमें हमारे पास डेट दे रखा है और 10th पास होना चाहिए। इफ समवन हैज कंप्लीटेड 10th, That person can easily, that person can fill this form. 10th pass वाला form इसको भर सकता है, 10th pass जो करा है वो form भर सकता है, right? So this is again a great opportunity for many. और 10th class बच्चों को कितना salary मिल रहा है, 18,000 rupees per month. So that is again great, right? Next हमारे पास क्या आता है, स्टेमिन ट्रेनिंग। स्टेमिन ट्रेनिंग में क्या है आपको बताऊंगा आगे। केमिकल का कितना वैकेंसी है, 5, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, फिर बीएससी केमिस्ट्री में एलिजिबिलिटी है 1। फिर हमारे पास क्या आता है, स्टाइपेंडरी कितना है, ट्रेनी है, 6 वैकेंसी है, और केमिकल प्लांट ऑपरेटर, 10th क्लास होना चाहिए उसके साथ, उसके बाद एक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इससे रिलेटेड, तो उसको मतलब वो फॉर्म भर सकता है इसके पास ये सर्टिफिकेट होगा। फिर हमारे पास क्या है, एक और एक आईटीए होल्डर का जॉब आता है, जिसमें क्या होना चाहिए आपका, 60% मार्क्स होना चाहिए और आईटीए मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें कम से कम 1 साल करना चाहिए, बिकॉज बहुत से आईटीए क्या होता है 1 साल का भी होता है, ये मेरे दोस्त से पता लगा था मुझे इसके बारे में। गाइस यहाँ पर कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या होगा, ये पूरा पढ़ना होगा आपको अच्छे समझाने के लिए। मैं तरीके से समझाता हूँ आपको, क्या है, पहले ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका, फिर आपको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा जॉब्स के लिए, राइट। उसमें आपका सैलरी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सैलरी जो है 44,900, लेकिन अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो दैट विल बी डिपेंड ऑन कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैक्सिमम सैलरी कितना है आपका, 44,900 इज द मैक्सिमम सैलरी, राइट। अच्छा ये गाइस ये पूरा कहानी था, बॉन्ड भी यहाँ पर हर जगह बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा गाइस, स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ये होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, सिर्फ इंटरव्यू बेस पर, ये चीज आपको नोट डाउन करने वाली है। फाइनल सिलेक्शन किस पर होगा, सिर्फ स्क्रीन पर, कौन से के लिए बताया गया है, ये पोस्ट नंबर कोड दिया गया इसके लिए। मुझे पता है ये इतना शॉर्ट टाइम में सब कुछ पता थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने क्या करा, एक मैंने लिंक जनरेट करा है जिसमें ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पर लिंक डाउनलोड करने के लिए, प्लस शॉर्ट में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, जो लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं हर चीज पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, राइट। बिकॉज पीडीएफ आपको मिलना बहुत जरूरी है। और कितना फीस लगेगा, 150 से 100 रुपया फीस लगेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा पोस्ट के लिए भर रहे हो। कहां से आपको भरना है, ओनली दिस वेबसाइट nfc.gov.in और ये वाला वेबसाइट पे जाके आप फिल कर सकते हैं, राइट। ओके गाइस, सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। तो लास्ट डेट कभी बताता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज लास्ट डेट आपको बताना बहुत जरूरी है, जल्दी चलते लास्ट डेट पर। हाँ, लास्ट कब है, 10 तारीख को लास्ट डेट है, मतलब आप फॉर्म भरिए जल्दी जल्दी फटाफट, आपके पास लगभग 15 डेज है। सो 10/1/2020 इज द लास्ट डेट फॉर दिस वैकेंसी। तो ये था पूरा कहानी इस वैकेंसी का, होपफुली आपको पसंद आया। सो गाइस, पसंद आया तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को,
और ऐसे ही क्या करें, आप अच्छे से पढ़ाई करो और डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, और कुछ करो यार लाइफ में, बहुत मजा आएगा, राइट? सो गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, आपको जॉब डेफिनेटली लगेगा, सो हैव पेशेंस एंड कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।